तो बेसिकली आज जो हमारी ये क्लास है फास्ट ट्रैक बीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे है। अब बात करते हैं एक बार जो हम कोर्स करने वाले हैं 2 दिन में उसके एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या करेंगे और क्या बेनिफिट होगा, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने एक एक इमेज भेजा था व्हाट्सएप पे जिसको देख के आप लोगों ने ज्वाइन किया है। तो बता दूं ये टोटल 6 आवर के आसपास की क्लास है, 3 घंटे आज होगी और 3 घंटे कल होगी। 8 से 11 की टाइमिंग है, टाइमिंग में 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ड्यूरेशन जो 6 घंटा है इधर एवरेज है, ये 6:30 भी होता है और 5:30 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मतलब कि टॉपिक कितना होगा, क्योंकि मैं कोई टैप रिकॉर्डर तो हूँ नहीं कि 3 घंटे की मूवी फिक्स है अपने आप खत्म हो जाएगी, तो ये बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। तो आज की जो टाइमिंग है उसके ऊपर हम बात करें तो आज की टाइमिंग है बेसिक, आज की जो टॉपिक्स हैं वो है बेसिक बीबीए माइक्रो फंडामेंटल, रिकॉर्डिंग माइक्रो और उसको एडिट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट्स, रेंज और डेटा टाइप, और इसमें हम 2 प्रोजेक्ट करेंगे। पहला प्रोजेक्ट करेंगे कि हम फाइल एंड फोल्डर क्रिएट करना एक होगा, और दूसरा होगा एक फॉर्म बनाना, आपको सिखाएंगे कि फॉर्म कैसे बनेगा, एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा हम कैसे भेजेंगे, ये आज की टॉपिक होगी। कल की टॉपिक की बात करें तो कल की टॉपिक पे बात करूंगा मैं लूप के बारे में, जिससे में हम बात करेंगे लूप, इसमें फॉर लूप होगा, डू लूप होगा, इफ एल्स होगा, इवेंट माइक्रो होगा, यूजर फ्रॉम होगा और आउटलुक के साथ कनेक्टिविटी होगा। और कल की प्रोजेक्ट होगा, एक होगा कि हम सारे एक फोल्डर में बहुत सारे फाइल है उसके डेटा को कंपाइल कैसे करेंगे, फाइल के अंदर एक्सपायरी डेट कैसे लगाएंगे कि कुछ दिन बाद फाइल ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, और इसके बाद हम यूजर फॉर्म के जरिए एक डेटा से दूसरे डेटा कैसे सेंड करेंगे, और सबसे लास्ट प्रोजेक्ट होगा कि हम आउटलुक के जरिए एक्सेल के जरिए आउटलुक को यूज करते हुए मेल कैसे भेजेंगे, ये टॉपिक रहेगी। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक हम 6 घंटे में कवर करेंगे, 6 घंटे में कवर करेंगे ऐसा हमने डिसाइड किया हुआ है। अब हो सकता है कि थोड़ा टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाए, देख लेंगे। और आपको आपके क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चंस के लिए आप देखिए ड्यूरिंग द टॉपिक, अगर आपके मान लीजिए मैं रिसीट पढ़ा रहा हूँ, टेंस पढ़ा रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन है तो आप उसी समय अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ द टॉपिक है, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ और आपको पूछना है कुछ और, मैं पढ़ा रहा हूँ दिल्ली आपको पूछना है अमेरिका, तो उसके लिए आपको क्लास के बाद मैं कुछ टाइम दे दूंगा और आप लोग क्वेश्चन बोलते, प्लीज क्लास के बीच से मत पूछिएगा वरना टॉपिक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक को पढ़ना है, अगर आप आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी टॉपिक को कवर करने। क्लियर है सबको? अब बात क्लियर करते हैं कि ये जो सीख रहे हैं इसका बेनिफिट क्या होगा। सबसे पहले कि आप समझ जाएंगे कि वीबीए माइक्रो फंक्शन कैसे करता है, उसका लैंग्वेज कैसा है, राइट। दूसरा आप जो है रिकॉर्डिंग करके जो माइक्रो यूज करते हो उसमें परफेक्टली यूज करोगे, उसके अंदर की कोडिंग को डिलीट स्लीट एडिट बिल्ड करके अपने लिए एक वर्किंग कोड बना लोगे। किसी ने आपको कोड भेजा है उसमें अगर छोटी मोटी चेंजिंग करनी है तो आप कुछ छोटी मोटी चेंजिंग को कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका माइक्रो आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हो, और सर्च करके वो कोड वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें एडिट करके उसको परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप ऑफिस में 70-80% काम कर लोगे बीवीए में, इतना मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको ये रिकमेंड कभी नहीं करता कि यू हैव टू बिकम द एक्स बीवीए एक्सपर्ट आफ्टर दिस क्लास, नहीं, बीवीए एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 65 घंटे की ट्रेनिंग कम से कम लेनी पड़ेगी मेरी, तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ आप बीवीए एक्सपर्ट है, समझ गए। लेकिन इससे एक और बेनिफिट होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप एक बीबीए सीख, मैं बीबीए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बीबीए समझ में आ रहा है तो मेरी जो एक्सपर्ट लेवल की क्लासेस है उस क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं, और ये 1000 फीस मैंने लिया है वो उस क्लास में एडजस्ट कर देंगे और ये आपका फ्री हो जाएगा। ओके सर, तो टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। सबसे पहले हम थोड़ी सी फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। विनोद शर्मा जी आप सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है। तो
तो बात करते हैं वीवीए। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ए वीवी सिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ए वीवी स्टूडियो नहीं है, वीवी स्टूडियो नहीं है, डॉट नेट के जो होता नहीं। कहने का मतलब है कि वीवी सिक्स हो गया, वीवी स्टूडियो हो गया और आपका डॉट नेट हो गया, इनकी मदद से आप एक नई एप्लीकेशन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन वीवीए की मदद से आप एमएस ऑफिस, जी हाँ एमएस ऑफिस, वीवीए हर जगह वर्क करता है, एक्सेल, आउटलुक, पावर बी आई, पावर पॉइंट, एक्सेस, वर्ड, सब पे वर्क करता है। तो ये जो है आप हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल वीवीए। तो वीवीए एक फैक्ट्री है, समझ लीजिए। इसका प्रोडक्ट क्या है? इसका प्रोडक्ट है सबसे पहले मैक्रोज। अब मैक्रोज होता क्या है? मैक्रोज होता है जो आपके काम को वो एक स्टेप में आपने सारा कोड कर दिया, एक बार बटन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उस काम को कर देता है, दैट कॉल मैक्रो। तो एक ऑटो पायलट कह सकते हैं कि आपने एक ऑटो पायलट बना दिया अपने काम को करने के लिए। दूसरा आता है फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला। आप फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए हो गया। और उसके बाद आता है यहाँ पे यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म कहलाता है इंटरफेस, जैसे कि पॉपअप होता है, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, एक पॉपअप आया, आप इस तरह के पॉपअप बनाने हैं, या फिर आप पेस्ट स्पेशल करते हैं, या पिवट लगाते हैं, एक पॉपअप आता है जिस पे आप इनपुट है, इनपुट सेलेक्ट करके ओके करने पे उसी इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इस तरह के पॉपअप के लिए हम यूजर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों जस्ट मीडियम है, मेन जो प्रोग्रामिंग जो होती है आपकी मैक्रो में होती है। मैक्रो जो प्रोग्रामिंग करते वही प्रोग्रामिंग इन दोनों में भी होता है, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। अब बात करते हैं मैक्रो कब यूज करेंगे। देखिए मैक्रो यूज करने के लिए दो सिचुएशन है। पहला रिपीटेड वर्क, ऐसा काम जो बार बार आपको करने को मिल रहा है, ऐसे काम के लिए आप मैक्रो का यूज करते हैं। दूसरा लेंदी जॉब, ऐसा काम आया जो बहुत लेंदी है, करने में बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए वीवी यूज करते हैं। क्योंकि मैक्रो ऐसे नहीं कि आपने बॉस ने बोला कि यार जनवरी महीने के सेल दे दे, अब लगे आप वोटिंग करने, अब सिंपल पिवट टेबल निकाल के भी दो मिनट में दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम माइक्रो यूज कर रहे हैं टाइम को सेव करने के लिए। तो हम देखेंगे कि हम मैनुअल करने में टाइम सेव हो रहा है या माइक्रो से सेव हो रहा है। क्योंकि माइक्रो कोड लिखने में ऐसा तो नहीं दो मिनट में लिख दोगे, माइक्रो कोड में टाइम लगेगा। क्योंकि किसी भी प्रोग्रामिंग करने का एक स्टेप होता है, स्टेप क्या होता है, एनालिसिस। एनालिसिस होता है, उसके बाद होता है एल्गोरिथम, उसके स्टेप्स, उसके शॉर्ट वे निकाला जाता है, फिर होता है कोडिंग, फिर होता है टेस्टिंग, टेस्ट कर लीजिए, फिर होता है रीकोड, अगर कोई गलती हुई तो रीकोड करेंगे, देन रीटेस्ट करेंगे। कब तक? जब तक कि वो परफेक्टली वर्क न करे, देन अप्लाई। ये किसी भी प्रोग्रामिंग को करने का एक स्टेप होता है कि पहले आप प्रॉब्लम को समझते हैं, समझने के साथ साथ एक छोटा वे निकालते हैं, एल्गोरिथम, उसका स्टेप तैयार करते हैं कि क्या कब क्या क्या करना है लाइन बाई लाइन, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कोड करते हैं, कोड करने के बाद फिर टेस्ट करते हैं, प्रॉब्लम आती है रीकोड करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, उसके बाद जो फाइनल होगा तो अप्लाई करते हैं। इसलिए आप देख लें कि आप जो मैक्रो इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें आपका टाइम कितना जाने वाला है। दूसरी बात आती है कि मैक्रो इस्तेमाल किसके लिए करेंगे। देखिए आप अपने लिए करना है तो धरल्ले से इस्तेमाल की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसी फाइल जो बाहर किसी को आप भेजते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने के पीछे रीजन ये है कि हर एक्सेल का माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल होता है। यहाँ देखिए ये रहा डिसेबल होता है, इसका मतलब हुआ कि जैसे आपकी माइक्रो फाइल ओपन करेगी वो आपको एक सिक्योरिटी अलर्ट दिखाएगा। जो वीवीए मैक्रो को जानते हैं उनको पता है वो उसको अनेबल कर देंगे, जिसको पता नहीं है आपको फोन करेंगे कि भैया फाइल में प्रॉब्लम है। अब 100 लोगों को मेल किया, 40 लोगों ने फोन कर दिया, तो ये आपने ऑटोमेशन किया, सिर दर्द दे गया। दूसरा
वेब वर्जन का जो हमारा एक्सेल होता है, बहुत सारे लोग जो है ऑफिस 365 यूज करते हैं, मोबाइल फोन पे यूज कर लेते हैं, तो मोबाइल फोन पे हो गया या इंटरनेट ब्राउजर पे हो गया, एक्सेल जो होता है ऑनलाइन एक्सेल, उस पे आपका वीवीए प्रोग्रामिंग वर्क नहीं करता है। इसलिए किसी और को यूज करने से पहले ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द यूजिंग वीवीए। वीवीए को यूज करने से पहले क्या प्रिपेयर करना हो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले तो आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है। आपको जाना है फाइल में, जाना है ऑप्शन में, और जाना है आपको कहाँ, कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आइए और डेवलपर टैब यहाँ से अनचेक होगा, इसको चेक कर दीजिए, डेवलपर टैब आ गया। अब डेवलपर टैब क्यों ला रहे हैं, डेवलपर टैब लाने के पीछे रीजन है नेविगेशन। वीवी के साथ जो विजुअल बेसिक का जो ये सब नेविगेशन आता है, वो नेविगेशन लाने के लिए। दूसरा है आपकी माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर, तो इस पे क्लिक कीजिए, माइक्रो सिक्योरिटी यहाँ से अनेबल कर ले। लेकिन अनेबल करने के बाद ध्यान रखिएगा कि अननोन सोर्स फाइल को आप ओपन मत कीजिएगा। अननोन सोर्स को ओपन करते हैं तो डेंजरस कोड रन होने की जरूरत है। उसके बाद वीवी लिखने से पहले, कोडिंग करने से पहले फाइल को सेव करना होगा, इसमें माइक्रो अनेबल वर्क। देखिए आपने गलती से भी अपने कोडिंग फाइल को सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक में, तो आपका माइक सारा कोड लॉस्ट हो जाएगा, कोड आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ये आपका माइक्रो फाइल और डेटा दोनों सेव रखता है, नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें सेव कीजिएगा। अब बात बोले सर बाद में कर लेंगे, कोडिंग कर लेते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि बाद में अगर भूल गए, गलती से आप इसमें कर दिया तो आपका सारा कोड चला गया। और जनरली 90% बच्चे इस गलती करते हैं, फोन करते हैं सर मेरा कोड रन नहीं हो रहा है, मैंने चलाया था, लिखा था, रन हुआ, दूसरा बार देखा तो इसमें है ही नहीं। तो आपकी फोन ऐसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर। अब चलिए हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो की तरफ। ओके, तो हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो। रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोगों के पीछे कंफ्यूजन है कि जो हम कोडिंग करते हैं उसको वीवीए कहा जाता है, और जो रिकॉर्ड करते हैं उसको माइक्रो कहा जाता है। ये गलत है। आप खुद से कोड करें या सिस्टम कोडिंग करें, वो यूज वीवीए को ही करता है। वीवीए इज द लैंग्वेज, राइट। तो वीवीए को यूज करता है, चाहे रिकॉर्ड करे चाहे कोड करे। तो रिकॉर्ड करने में क्या होता है, जैसे आपने रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया, तो रिकॉर्ड एक फीचर है जो आपके माउस एक्शन को रिपीट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, अब इसको स्टॉप करते हैं, अब जाते हैं एडिट माइक्रो में, तो यहाँ विजुअल बेसिक पे कोड दिखा दिया कि आई यहाँ पे रेंज i1.select। अगर मैं नॉर्मल खुद से माइक्रो बनाऊं तो भी मैं यही लिखूंगा कि रेंज i1.select। तो दोनों में कोई कोई डिफरेंस नहीं है। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या है, ये रिकॉर्डिंग माइक्रो एक फीचर है जो आपको, अगर आवाज आ रही है आपकी। कॉल करते हैं 10-15, 10-15 में कॉल करते हैं। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो जो है आपका जो है, सॉरी मैं यहाँ पे था कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज, जब रिकॉर्डिंग माइक्रो मेरे पास है तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का ही यूज क्यों ना करें, हम क्यों सीखे, हम एक्सल सीखे क्यों, वीवीए सीखे क्यों, सॉरी। देखिए क्या होता है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो जो है आपकी कंडीशन नहीं लगाएगा, आपका सेल डायनेमिक नहीं करेगा, आपका कनेक्टिविटी नहीं करेगी, लूपिंग नहीं होगा, बहुत सारे चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो से बिना बिना वीवीए का कुछ नहीं कर सकते अगर नहीं आता है तो फिर फायदा क्या है। फायदा है कि आप लर्निंग पीरियड में हो तो एज अ डिक्शनरी की तरह यूज होता है, डिक्शनरी। हाँ जैसे मान लीजिए कि मुझे कॉपी करने का कोड पता नहीं है, आप क्या करें, रिकॉर्ड माइक्रो ओपन करें और यहाँ पे कॉपी, सॉरी पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, दोनों हो गया, कॉपी कर ले तो क्या होगा,
आप स्टॉप करें यहाँ पे माइक्रो टू में जाके देखें, यहाँ आपके सामने किस यहाँ पे सिलेक्शन डॉट कॉपी का आ गया। तो मतलब कि सिलेक्शन डॉट कॉपी कोड है, कॉपी करने का, पेस्ट करने का कोड एक्टिविटी डॉट पेस्ट है। तो ये चीजें आपको पता चल जाती है जब आप यूज करते हैं तो, राइट। अब चलिए हम रिकॉर्डिंग माइक्रो को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ। उस प्रॉब्लम के लिए मुझे चाहिए होगा एक डेटा, तो मैं एक डेटा यहां से लेता हूं। चलिए डीएसएल्स का डेटा उठाता हूं, इसी डेटा को ले लिया मैं और यहां पे मैं कर देता हूं पेस्ट। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है जो आपके सामने दिख रहा है और मुझे इस डेटा को क्या करना है, इस डेटा को मेरा मान लीजिए कि डेटा जो है वो डंप डेटा है और हर रीजन के बंदा फोन करता है। जैसे साउथ वाला फोन किया कि भाई मेरा डेटा दे दे, तो मुझे क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है, साउथ को सेलेक्ट करना होता है, फिर साउथ का पूरा डेटा कॉपी करना होता है और फिर उसको एक नई फाइल में पेस्ट करके सेव करके फिर उसको हम मेल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम रन करें, जैसे ही हम रन करें मुझसे पूछे कौन सा जोन चाहिए। मैंने बोला साउथ, तो साउथ जोन के डेटा को कॉपी करें, एक नई फाइल पे पेस्ट करें और फिर उसको सेव कर दें। तो चलिए इसको हम रिकॉर्डिंग के जरिए करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने अब रिकॉर्डिंग माइक को यूज करने से ध्यान रखिएगा किसी तरह का एक्स्ट्रा क्लिक, एक्स्ट्रा स्क्रॉल वगैरह मत कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो किया, माइक्रो का नाम ले दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट वन एंड ओके, सॉरी प्रो वन नाम का माइक्रो नहीं लेगा। माइक्रो नेम में किसी भी तरह के स्पेशल करेक्टर नहीं होता है। प्रो वन करके यहाँ पे हमने ले लिया माइक्रो रिकॉर्ड, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने फिल्टर लगाया, हम यहाँ पे गए फिल्टर में, जो जरूरत है वही सेलेक्ट कीजिएगा। हमने यहाँ पे मान लीजिए साउथ सेलेक्ट कर लिया, देन ओके, फिर यहाँ पे क्लिक किया। अब रिकॉर्डिंग माइक्रो में हम माउस से सिलेक्शन नहीं करते, अगर माउस से सिलेक्शन करते हो तो प्रॉब्लम होगी, हम कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। अब डेटा कॉपी करने से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पीछे का डेटा हिडन है, हिडन डेटा भी आ सकता है। तो मैं कंट्रोल जी करूंगा गो टू स्पेशल और यहाँ पे जाके करूंगा विजुअल सेल्स ओनली। अब मैं इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी। अब मेरे पास ऑलरेडी दो सीट है लेकिन मैं एक नई सीट को इंसर्ट करूंगा और उस पे पेस्ट करूंगा और सीट का नाम कर दूंगा साउथ और फिर इसको राइट क्लिक करके मूव कॉपी और यहां पे न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करके ओके कर दिया, एक नई फाइल में मूव हो गया और फिर इसको सेव कर देता हूं एक पर्टिकुलर लोकेशन में, इसका नाम लगता हूं साउथ और एक्सटेंशन एक्सेलेक्स ले लिया एंड सेव कर दिया और फिर फाइल को क्लोज कर देता हूं और वापस हम आ जाते हैं अपने डेटा के डेटा मैंने जिसका डेटा शीट और फिल्टर को हटा देते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग हमारी हो गई और स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को। अब माइक्रो में जाते हैं और इसको एडिट करते हैं तो वीवी एडिटर खुलेगा, ए रहा मेरा कोड। अब इसको रन करने से कोड वर्क नहीं करेगा, रीजन क्या है कि इसमें कुछ अनवांटेड कोड लग गए हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है। अब इसी अनवांटेड कोड को यहाँ पे करना है रिमूव। कैसे करेंगे रिमूव, चलिए बताते हैं। जैसे ए वन डॉट सेलेक्ट सही है, अब यहाँ पे देखिए फिल्टर लगा हुआ है ऑटो फिल्टर और यहाँ भी आपको ऑटो फिल्टर लगा हुआ है, दो फिल्टर है। और जहां तक हम जानते हैं एक्सेल में एक बार फिल्टर लगाते हैं और फिर वापस सेम से हटा भी देते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, फिल्टर लगेगा और हट भी जाएगा और एरर आएगा। तो मैं ए वाले फिल्टर को हटा देता हूं, पहली चीज। दूसरी डेटा देखिए, ए वन से 8089,
मैंने डेटा सेलेक्ट करके तो फिल्टर लगाया नहीं था, मैंने तो बस क्लिक किया और फिल्टर लगा दिया। तो इसका मतलब है कि मैं A1 रखूं तो फिल्टर लग सकता है, तो बाकी के एड्रेस को यहां से डिलीट कर देता हूं। बाकी ये सबसे ठीक है। फील्ड 12 है मतलब कि ये 12वां नंबर रो है ना ए वाला जोन पे, इसलिए अगर मान लीजिए आपको कस्टमर पे लगाना तो 11 आ जाएगा, रीजन पे तो 10 आ जाएगा, तो काउंट करता है। और क्राइटेरिया में हमारा साउथ हो गया। A1 को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड से ऊपर राइट और नीचे आया, ये आपका विजुअल सेल सेलेक्ट किया, स्पेशल में जाके कॉपी किया, सीट को ऐड किया, सीट को पेस्ट किया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, सीट 5 डॉट सेलेक्ट। अब जैसे मैंने सीट ऐड किया था तो क्या हुआ था, सीट 5 नाम का सेलेक्ट आया था ना सर, लेकिन हमेशा सीट 5 थोड़ी होगा, नेक्स्ट टाइम सीट 6 हो सकता है, सीट 7 हो सकता है। तो इस कोड को करना होगा डिलीट क्योंकि जरूरत नहीं है। अब रिनेम करने में प्रॉब्लम है, तो आप देख रहे हो कि सीट ऐड हुआ और यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट पेस्ट हुआ, तो डेटा कहाँ पेस्ट हो रहा है, जो सीट ऐड हुआ उस पे पेस्ट हो रहा है। और उसी सीट को मुझे रिनेम करना है, जब एक्टिव सीट डॉट पेस्ट हो सकता है तो एक्टिव सीट डॉट नेम भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको कॉपी किया, सीट 5 जहां जहां है वहां पे एक्टिव सीट हम डाल देते, और जहां साउथ है इसके जगह पे भी ए से जरूरत नहीं है, अब इसको हटा दीजिए, इसे कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये साउथ डॉट मूव है, इसके जगह भी एक्टिव सीट होगा। अब बोले ये एप्लीकेशन डॉट कट को भी मूव फॉल्स क्यों कर दिया, ये होता है जिसे हम कॉपी करते हैं ना, अब स्केप ट्रेस कर देते हैं तो हट जाता है ना उसका कोड, ये डायरेक्टली की जरूरत नहीं है। ओके और चलिए, अब आपका कोड बिल्कुल परफेक्ट है, रन होगा और रिजल्ट भी देगा, लेकिन एवरी टाइम साउथ। आपको अगर अलग अलग करना है कि मुझे नॉर्थ का चाहिए, तो यहां से दो जगह तीन जगह पे आपको नॉर्थ करना पड़ेगा, एक यहां करना पड़ेगा, एक यहां करना पड़ेगा, एक यहां करना पड़ेगा, तो आपका नॉर्थ नाम का कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी करना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं एक पॉपअप में मुझे पूछे, तो एक कोड यहाँ ऐड करना होगा इनपुट बॉक्स का। मैक्रो के रन करते समय कुछ इनपुट यूजर से लेना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं इनपुट बॉक्स। यहाँ लिखेंगे इन, यहाँ पे जेड इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे हम देंगे कि एंटर जोन नेम, ये मैसेज हो गया। तो इनपुट बॉक्स एक पॉपअप देगा जहां पे कुछ टाइप कर सकते हैं, जो भी टाइप करेंगे वो जेड पे स्टोर हो जाएगा। अब जेड क्या है, ये वैसा ही है जैसा आप याद होगा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था ना, एक्स वाई जेड लेते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर, ए और बी क्या है, एक वेरिएबल है, एक टेम्परली सेविंग लोकेशन है। तो ये समझिए कि आप जेड नाम का एक जगह बना रहे हो जहां पे इनपुट बॉक्स की वैल्यू को सेव करोगे, तो जेड जेड क्या करेगा, अपने पास वो वैल्यू को स्टोर कर लेगा, और जहां जहां जरूरत है, जहां यहां जरूरत है तो यहां पे हम कर देंगे जेड, जैसे यहां पे जरूरत है तो कर देंगे जेड, यहां जरूरत है तो यहां जेड करेंगे, तो दिक्कत होगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, इन्वर्टर कॉमा के बीच में है तो जेड पर स्टोर वैल्यू को नहीं उठाएगा, तो जेड नाम से ही फाइल बना दे। तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा, कॉनकेट करना होगा, इन्वर्टर कॉमा से बाहर करना पड़ेगा जेड को। तो कॉनकेटनेट लगाया और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया, जैसे एक्सेल में ज्वाइन करते हैं ना ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो जेड की वैल्यू आके ज्वाइन हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन है इसमें आप लोगों को? अबे माइक्रो बोलिए, करेंगे करेंगे क्या रिपीट करना है? जेड का पूरा इनपुट बॉक्स का देखिए पहले समझ में आ समझिए, गया, एंटर बात जोन समझिए, सेकंड। जेड क्या है, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो ना कि एक्स इक्वल टू 100 कर दिया, अब जहां जरूरत पड़ती है 100 के, तहां क्या लिखते हो, x+10, तो x के मान क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना। सेम यही है हाँ कि हमने यहाँ पे एक्स ले लिया, एक्स पे हमने एक वैल्यू स्टोर किया, और जहां जहां मुझे वैल्यू चाहिए वहां वहां हम जेड को ले रहे हैं, ठीक है।
पर प्रॉब्लम ये है कि बीवीए कहता है कि अगर आपने कोई इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिख दिया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, हम समझेंगे कि वो एक नाम है, एक पर्सन नेम है, एक लोकेशन नेम है, वो एक वेरिएबल नहीं है, डेटा उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, वो जेड ही है, तो जेड ही कर देगा। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कॉन्केट किया, जैसे अलग अलग सेल पे होता है ना, एक पे सुजीत लिखा, एक पे कुमार लिखा हुआ था, अगले सेल पे क्या करते हैं कॉन्करेंट फॉर्म लगा के दोनों को ज्वाइन करके सुजीत कुमार कर देते हैं ना, तो सेम यहाँ पे ज्वाइन करके एक एड्रेस बना रहा है, समझ गए? तो अब आपने अब नाम क्या दिया फाइल का? फाइल का नाम देंगे रन करते समय, मैंने दिया नहीं है, रन करते समय दिया जाएगा। अब देखिए कैसे दिया जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही माइक्रो प्रो को वन करूंगा, ये पॉप, एक मिनट, इसमें इसमें स्पेस पड़ गया, माफ चाहिए, मुझसे गलती से स्पेस पड़ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे इसको रन, तो रन करते समय मुझसे पूछा फाइल का जोन नेम, तो जो जोन नेम होगा वही फाइल नेम होगा, क्योंकि जेड पे वही स्टोर होगा। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे ईस्ट, EAST, ईस्ट, और जैसे ओके किया आप देखोगे कि एक छोटा सा स्क्रीन हिला और कंप्लीट, आप जाके देखो जेड नाम का फाइल क्रिएट हो गया एफ ड्राइव के अंदर मेरे। अच्छा अभी अभी आपका जूम जो है बंद हो जाएगा, तो प्लीज एक बार दोबारा रीज्वाइन कर दीजिएगा सेम लिंक से, ठीक